हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल द एसपी इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 50 एचपी का इंडक्शन मोटर 1440 आरपीएम में हम फोर पैलर किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो हमारे ये 1440 आरपीएम में टोटल हमारा 14 क्वाल रहता है, जैसे नहीं नहीं 12 क्वाल रहता है, सॉरी गलती से 14 हो गया था। तो देख लेते हैं, ये हमारा पहला क्वाल हो गया, ये दूसरा क्वाल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1440 आरपीएम में टोटल 12 क्वाल रहता है, जिसका हम ये वाला लीड देख रहे हैं, ये हमारा टॉप लीड है और इसका ये बॉटम लीड है, ठीक है दोस्तों। और ये दूसरा का ये टॉप है, ये दूसरा का बॉटम है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी टोटल क्वाल का टॉप बॉटम लीड है। तो ठीक है दोस्तों, समझ चुके हैं किस प्रकार से टॉप बॉटम या इनर और आउटर भी बोल सकते हैं। टॉप को इनर भी बोलते हैं और बॉटम को आउटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमें कैसे कनेक्शन करना है, पहला का टॉप को पकड़ेंगे, देख सकते हैं पहला का ये टॉप को मैंने पकड़ा है ये वाला, और यहाँ से हम चार गिनेंगे, एक दो तीन चार, ठीक है दोस्तों। ये चार हो गया, तो हमारा पहला का टॉप से हमारा यहाँ से चला जाएगा, हमारा यहाँ से चला जाएगा चौथा का बॉटम से जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चौथा का बॉटम से जुड़ गया, अब यहाँ से हमारा जाएगा सातवां, यहाँ से फिर हम चार गिनेंगे, एक दो तीन चार, तो ये हमारा सातवां कॉल में आ गया। ये यहाँ से एक दो तीन चार, ठीक है, यहाँ से चौथा गिनेंगे तो फिर हमारा जाएगा, ये इसका बॉटम लिए हैं तो इसका हमें सात का टॉप लेना है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा टॉप है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये जाएगा, यहाँ से फिर हम गिनेंगे चार, एक दो तीन चार, ठीक है। और यहाँ से ये दसवां क्वाल का, इसका हम टॉप लिए हैं तो इसका दसवां का हमें क्या लेना पड़ेगा, बॉटम, ठीक है दोस्तों। टॉप बॉटम है, ये एक से चार टॉप और बॉटम जुड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसी प्रकार से एक लीड बन गया ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लीड हो गया हमारा A1, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं ये चार लीड जुड़ चुका है, चार यानी कि फोर पैलर, एक दो तीन चार, ठीक है। ये हमारा वन लीड हो गया, ठीक है दोस्तों, बाहर निकालने के लिए ये वन लीड हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा A2 के लिए हम क्या करेंगे, पहला क्वाल का बॉटम को ही पकड़ेंगे, बॉटम को पकड़ेंगे और हमारा जाएगा ये चौथा का टॉप में, ठीक है दोस्तों। ये चौथा का टॉप में चला गया,
अब चौथा के टॉप से हमें जाना है, ये यहाँ पे क्रॉस कर का निशान है दोस्तों, ये वाला क्रॉस हुआ है ठीक है, और यहाँ पे भी ये क्रॉस हो रहा है ठीक है। अब चौथा का हम टॉप को पकड़े हैं, तो सातवां का हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, बॉटम को ठीक है। अब बॉटम के बाद हमें यहाँ से फिर चार गिनना है, 1 2 3 4, तो यहाँ का बॉटम पकड़े हैं, तो दसवां का हमें टॉप को लेना पड़ेगा ठीक है दोस्तों। अब यहाँ ये वाला क्वाल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला दूसरा लीड हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा A2 ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, और ये हमारा A1, तो हमारा एक फेस का कनेक्शन कंप्लीट होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अब हमें दूसरा फेस का भी कनेक्शन करना है सेम टू सेम इसी प्रोसेस में, तो चलो देखते हैं कैसे होता है। तो हमें ये दूसरा का टॉप को पकड़ना है, देख सकते हैं दूसरा का टॉप को मैंने ये इस प्रकार से क्रॉसिंग करके नीचे लाया है, ये क्रॉसिंग का निशान है ठीक है दोस्तों। अब दूसरा का टॉप को निकाला है हमने, तो यहाँ से क्या करना है, आगे ले जाना है, और यहाँ से हमें दूसरा क्वाल से फिर गिनना है 4, 1 2 3 4, देख लो 4 गिने हैं ठीक है दोस्तों। तब यहाँ से हम इसका टॉप पकड़े हैं, तो पाँचों का हमें बॉटम पकड़ना पड़ेगा ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं पाँचवा का मैंने बॉटम को नीचे उतार रहा हूँ लीड को, ये हमारा 5 का बॉटम हो गया ठीक है, देख सकते हैं 5 का बॉटम। अब यहाँ से मैं ले जाऊँगा, यहाँ से फिर 4 गिनूँगा, 1 2 3 4 ठीक है, 4 गिनूँगा, तो इसका बॉटम को पकड़ा हूँ, तो इसका हमें टॉप को लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो इसका हम टॉप ले लेते हैं यहाँ पर ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से टॉप ले लिया। अब यहाँ से हम फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से फिर गिनेंगे 1 2 3 4 ठीक है, तो ये चौथा क्वाल हो गया, तो इसका टॉप लिए हैं, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, चौथा का बॉटम को लेना पड़ेगा, ये हमारा बॉटम है देख सकते हैं, ये हमारा बॉटम को ले लिया यहाँ पे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा B2, ये हमारा B2 हो जाएगा देख सकते हैं, ये हमारा B2 हो जाएगा, ये वाला क्वाल ठीक है दोस्तों, ये हमारा B2 लीड निकल जाएगा यहाँ पे। अब इसका दूसरा लीड देखते हैं किस प्रकार से निकाले हैं, इसी प्रकार से अब इसका हम टॉप को ले लेंगे, यानी बॉटम को, सॉरी बॉटम को लेंगे यहाँ पे दूसरा का, और यहाँ पे हम क्रॉस करके नीचे की तरफ ला रहे हैं, देख सकते हैं क्रॉस करके नीचे लाए हैं, फिर यहाँ से हमें 4 गिनना है, 1 2 3 4 ठीक है, इसी क्रमशः से गिनते गिनते आगे बढ़ना है। तो इसका हमने बॉटम को पकड़ा है, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, टॉप को, ये टॉप है, ये टॉप को हमने यहाँ पे इसका लिया ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं इसका टॉप को हमने इसमें जोड़ दिया। अब फिर हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, फिर 4 गिन के हमें क्या करना पड़ेगा, इस लीड को आगे ले जाते हैं, और इसका हमने टॉप को लिया है यहाँ पे, देख सकते हैं इसका टॉप को हमने लिया है, इसका बॉटम है और इसका टॉप है, और हमें अब यहाँ से फिर 4 गिनेंगे, 1 2 3 4 ठीक है, तो 4, तो इसका हमें क्या, बॉटम को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टॉप को लिया है, तो हमें इसका बॉटम को लेना पड़ेगा ठीक है दोस्तों, ये इसका बॉटम को हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब इससे और बढ़ेगा, इससे 1 2 3 4 ठीक है, ये 4 हो गया, तो हमें इसका किसको लेना पड़ेगा, 4 का टॉप को लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा B1 ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा दूसरा लीड हो जाएगा, दूसरा फेस का B1,
यहाँ पे हमने B2 निकाला था और यहाँ पे हम B1 निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा फेज का कनेक्शन करना पड़ेगा। ये दो फेज का हो चुका है, इसी प्रकार से सेम टू सेम हमारा तीसरा फेज का भी कनेक्शन होगा दोस्तों। तो देखते हैं किस प्रकार से इसका, हमें टॉप को ले लेते हैं और क्रॉसिंग करके आगे बढ़ते हैं। तीसरा का हमने टॉप को लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फिर चार गणना है, 1 2 3 4। ठीक है, चार, तो यहाँ पे हमने टॉप को लिया है यहाँ पहला वाला का, तो चौथा वाला का क्या को लेंगे, बॉटम को लेंगे। ये चौथा वाला का बॉटम को ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर चार गिनेंगे, 1 2 3 4। तो हमारा नवा क्वाल चौथा आ रहा है, इसको आगे ले जाते हैं। और इसका हमने छठवां का वो देख लीजिए बॉटम को पकड़ा है, तो नवा का हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, टॉप को यहाँ पे। ये टॉप को पकड़ लिया, देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें फिर चार गिनना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, चौथा पे ले जाना पड़ेगा। ये हमारा चौथा क्वाल है, ये हमने क्या को पकड़ा था, इसमें टॉप को पकड़ा था, देख सकते हैं, ये हमारा टॉप को पकड़े हैं। तो यहाँ से चार गिने, 1 2 3 4। ठीक है, चौथा गिने हैं, तो ये चौथा का हमें क्या को पकड़ना पड़ेगा, बॉटम को। ये हमारा बॉटम जुड़ जाएगा दोस्तों इसमें, इस प्रकार से। अब ये हमारा क्या, तीसरा क्वाल का ये हमारा कौन सा लीड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा C1। ये हमारा C1 हो गया है दोस्तों। अब इसका दूसरा वो लीड देखते हैं, दूसरा लीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा का बॉटम को पकड़ना है। तीसरा का बॉटम को हम क्रॉस करके ला रहे हैं इस प्रकार, देख सकते हैं। तीसरा का टॉप को पकड़े हैं, यानी बॉटम को पकड़े हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, ये वाला बॉटम है, इसको हमने क्रॉसिंग करके इधर नीचे लाए हैं यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, एक फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, चार गिने हैं, ये चौथा क्वाल है। तो यहाँ का हमें टॉप को लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉटम को लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रॉस करके मैं इसको लीड को नीचे ले आता हूँ, कुछ इस प्रकार से ले आया मैं नीचे। ठीक है, अब हो गया, ये हमारा दो लीड जुड़ चुका है। अब तीसरा, यहाँ से फिर गिनेंगे हम चार, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका टॉप को लिया है, तो हमें इसका बॉटम को लेना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए, इसका बॉटम को हमने क्या क्या इसमें जोड़ दिया, अभी तीन लीड हो जुड़ा है, अब चौथा जोड़ने वाला है। यहाँ से फिर गिनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चौथा का देख सकते हैं, ये हमारा चौथा का मैंने यहाँ पे, ये नवा का हमने बॉटम को यहाँ पे लिया है, देख सकते हैं। तो हमें बारहवा का टॉप को लेना पड़ेगा, यहाँ से गिनेंगे तो ये चार हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नीचे उतारेंगे और इस प्रकार से हम इसमें लाके जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा लीड वायर, थ्री फेज का C2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा C2 हो गया। तो हमें अब इसको स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार करेंगे देखते हैं दोस्तों। तो हमारा एक साइड में हमारा ये जो B2 निकला है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा B2 निकला है, और इधर कनेक्शन करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लीड निकलेगा, हमारा A1 हो गया, AB2 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, और इस साइड में देखेंगे तो हमारा A2 हो गया, AB1 हो गया, AC2 हो गया। तो अब इसको स्टार डेल्टा कैसे करेंगे दोस्तों देखते हैं। तो हमारा बाहर टोटल 6 लीड निकलेगा, पहले जैसे कि हमारा मार्किंग करके निकालते हैं,
तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा B2 हो जाएगा, और ये हमारा C1 हो जाएगा, और ये हमारा हमारा हो जाएगा A2 हो जाएगा, और ये हमारा B1 हो जाएगा, और ये हमारा C2 हो जाएगा दोस्तों। तो अब कनेक्शन इसको हमें बाहर में कैसे करना है, स्टार करेंगे तो हमें ये A1 को लेना पड़ेगा और C1 को लेना पड़ेगा और AB1 को लेना पड़ेगा। इस तीनों को हमें आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्टार कनेक्शन दोस्तों। स्टार कनेक्शन का सिंबल कुछ इस प्रकार से रहता है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सिंबल रहता है। ये हमारा स्टार कनेक्शन बन जाएगा A1, C1 और B1, ठीक है दोस्तों। अब डेल्टा हमें किस प्रकार करना है दोस्तों, देखते हैं। तो डेल्टा के लिए हमने इस प्रकार, अब 6 लीड निकला है तो देखते हैं, डेल्टा के लिए हमें शॉर्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। हमें A1 को B2 से जोड़ना पड़ेगा और हमारा ये C1 और A2 को जोड़ देंगे तो ये हमारा एक लीड हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा एक लीड हो जाएगा, और B1 और C2 को जोड़ देंगे, ये हमारा एक लीड हो जाएगा। अब इसमें हम L1 को दे सकते हैं यानी लाइन 1, और ये हमारा L2 हो जाएगा, और ये हमारा L3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से डेल्टा करते हैं और इसमें अब हम लाइन दे सकते हैं। स्टार को इसमें A1 को शॉर्ट किए, A1 और B1 और C1 को आपस में शॉर्ट करें हैं दोस्तों, आपस में शॉर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से तीनों शॉर्ट हो जाएगा। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा B1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, और 3 पॉइंट बचता है वो हमारा L1 हो जाएगा, और दूसरा हमारा L2 हो जाएगा, और तीसरा हमारा L3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लाइन दे सकते हैं तीनों में, तो कुछ इस प्रकार से हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो हर दिन लाता रहता हूँ आपके लिए जानकारी वाला। तो धन्यवाद दोस्तों।